गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के अंदर बेसिकली GSTR 3B की रिटर्न में जो एक गलती काफी लोग कर रहे हैं, जिसका बेहद इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा बन जा रहा है, उस गलती को अच्छे से समझ लीजिए। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए। क्या है पूरी बात समझिएगा। लेट सपोज April 23 में आपके पास एक इनवॉइस है जिसके ऊपर 10 लाख रुपीज की टैक्सेबल वैल्यू है और उस पे 18% का जीएसटी लगा पड़ा है, यानी कि 1,80,000 रुपए का आपके April 23 का कोई इनवॉइस था, जो कि आपने क्या करा, आपने अप्रैल महीने की GSTR 3B में, जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल महीने की GSTR 3B में उस पर्टिकुलर बिल को अपलोड नहीं किया, या उसे GSTR 3B ऑफ अप्रैल में दिखाना जो है वो आप भूल जाते हैं। अगर आपने ये गलती कर दी तो अब आगे आप क्या करते हैं। अब लेट सपोज April 23 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो April 23 का जो इनवॉइसेस है वो आप जाकर के March 24 में या September 24 में जब आपका ऑडिट हो रहा है तब आप रिकंसाइल करते हैं और आपको पता चलता है कि यहां पर मेरा 10 लाख रुपए का इनवॉइस जो है वो छूटा हुआ है। अब यहां पर लेट सपोज इस April 23 के इनवॉइसेस को आपने March 24 की GSTR 3B में, जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 3B में जो March 24 की रिटर्न आप भर रहे हैं उसके अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। March 24 में जब आप अपनी टैक्सेबल वैल्यू, मान लेते हैं March 24 की एक्चुअल टर्नओवर जो आपकी थी वो थी 5 लाख रुपए की, जो आप GSTR 1 में डाल रहे थे, और March 24 के अंदर 10 लाख एक्स्ट्रा टर्नओवर आप दिखा रहे हैं ये April 23 वाले बिल को ऐड करने के बाद। टोटल लाइबिलिटी जो आपकी बन के आई वो अब बन के आई इस केस में March 24 में 2,70,000 रुपीज जीएसटी आउटपुट अमाउंट, और इस 2,70,000 रुपए को आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करके पूरा का पूरा पे कर दिया। कैश में कोई भी अमाउंट नहीं पे हुआ, और आप ये सोच के निश्चिंत हो गए कि ये तो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए पे किया है, तो अब भले ही हमने इस अप्रैल महीने के बिल का पेमेंट, यानी कि जीएसटी लाइबिलिटी इस 270 को अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो 1,80,000 रुपए आएगा आपका 10 लाख रुपए का जो ये अमाउंट हमारा था, और ये 50 लाख के ऊपर आपका 5 लाख के ऊपर जो बन के आएगा वो 90,000 रुपए बन के आएगा, यही ब्रेकअप रहने वाला है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट तो लगना नहीं है क्योंकि ITC से हमने पे कर दिया, भले ही वो अप्रैल का हमने March 24 में किया, लेकिन अब यहां पर डिपार्टमेंट जो ऑडिट स्क्रूटनी और ये सारी चीजें कर रहा है उसमें ये चीजें पकड़ में आ रही हैं कि आपने जो ये टैक्स का पेमेंट कर रखा है March 24 में, जिसके अंदर दो पार्ट है, आपके पास दो पार्ट हैं, April 23 का भी है और March 24 का भी, तो March 24 की लाइबिलिटी जो है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 90,000 रुपए का है और इसने आपको ITC के समागम के साथ पेमेंट कर दिया, लेकिन April 23 की रिटर्न का डेटा आप अगर डिक्लेयर कर रहे हैं March 24 की रिटर्न में, March 24 की रिटर्न में इस डेटा को डिक्लेयर करेंगे तो यहां पर हमारे पास Rule 88B काम में आता है और ये कहता है कि इस 1,80,000 रुपीज के ऊपर आप भले ही ITC से टैक्स का पेमेंट कर दीजिए लेकिन हम आपसे इंटरेस्ट जो है वो डिमांड करेंगे। यहां पर वो रूल कि ITC से पे किया गया अमाउंट इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लायबल नहीं होगा, वो काम नहीं आएगा। यहां पर आपको टोटल लायबिलिटी जो प्रीवियस पीरियड की है
उस पे लगा दी जाएगी। अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कराया है तो आपको ये चीज पता होगी कि रूल 88 भी एग्जैक्टली क्या बात करता है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी के फुल कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस आपको एक साल की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डिंग्स के रूप में अवेलेबल कराई जा रही है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू भी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, जो कि आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल कर दिया गया है। तो यहां पर जो है रूल 88B, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अब बात करने वाला है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसमें ये बात बताई गई कि वेयर द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड आर डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड, जिस महीने की डिक्लेरेशन है उसी महीने की वो सप्लाई रहेगी तो ही आपको इंटरेस्ट में ITC वाला बेनिफिट जो है मिलेगा। एंड द सेड रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, देन एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ 7374, the interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated on the portion which is debited through the electronic cash ledger. Simple term में अगर मैं बताऊं तो इसमें यह लिखा गया कि जिस महीने की supply थी, यानी कि April 23 की आपकी supply थी, तो आपने April 23 की return में अगर declare कर दिया और April 23 की return जानी होती है 20 मई तक, लेकिन आप इसे फाइल करते हैं 20 जनवरी, लेकिन वो आप फाइल करते हैं ITC का समागम करके या यूटिलाइजेशन करके, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जिस महीने की आपकी सप्लाई है अप्रैल की और आप उसे डिक्लेयर कर रहे हैं मार्च 24 में, तो भले ही आप ITC से पे कर दें, आपको इंटरेस्ट जो है वो पूरे अमाउंट पे लग जाएगा। आप ये नहीं कह सकते फिर कि हमने ITC से इसका पेमेंट किया है। क्लियर होनी चाहिए ये बात, क्योंकि काफी लोगों को ये नोटिसेस इस पॉइंट पे जो है डिपार्टमेंट अब भेज रहा है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ करके अपना डेटा रिकंसाइल करके प्रॉपर तरीके से जो है वो भेजेंगे विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इस तरीके से रिटर्न अगर फाइल करेंगे तो आपको समस्या जो है वो श्योर शॉट आने जा रही है। रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स की अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इसके अंदर चीजें किस तरीके से होंगी और यहाँ पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपको किस तरीके से परेशान करेगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।